हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो रिपेयर 74। फ्रेंड्स, ये है वोल्सवैगन जेट्टा। अभी इसमें एबीएस का लाइट आ रहा है और ट्रैक्शन कंट्रोल का रहा है और आपका स्टीयरिंग का रहा है, ठीक है। इसमें अब मैं गाड़ी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया मैं, स्टार्ट किया तो भी आप देख सकते हैं आरपीएम मीटर स्टार्ट हो के गाड़ी चेक, गाड़ी का आरपीएम मीटर है, गाड़ी स्टार्ट है और ये जो है स्टीयरिंग का लाइट और एबीएस का लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट है ये। इसका प्रॉब्लम फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑलरेडी स्कैन किया, तो इसका शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये एबीएस का जब भी लाइट आएगा तो समझना ये स्टीयरिंग का भी लाइट आ जाएगा, ठीक है। इसको ये कनेक्टेड रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जैसा ईबीएस का काम करोगे या सेंसर चेंज करोगे या कुछ भी पावर में प्रॉब्लम रहा, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में रहा, प्रॉब्लम रहा तो कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक चले जाएगा। ये जो है बल्ब का, ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब का सिंबल है लेफ्ट का, फॉग लैंप का बल्ब जाके अभी डालूंगा तो मैं ये चले जाएगा। अभी इसका ही मेन इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं ईबीएस का। ये मैंने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इधर, आपको मैं इधर बताऊंगा। लेफ्ट फ्रंट एबीएस व्हील स्पीड सेंसर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट सर्क्यूट, ठीक है, ये फॉल्ट आ रहा है। बट मैंने लेफ्ट का व्हील खोल के ऑलरेडी सेंसर निकाल के उसका सॉकेट निकाल के कपलर चेक कर लिया है, उसमें 12 वोल्ट्स परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अभी इसको सेंसर चेंज करना है, सेंसर तो इतना जल्दी नहीं मिलेगा, इसको ऑर्डर डाल के मंगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर डाल के मंगाने के बाद मैं डाल के फिर से एक वीडियो डाल देता हूँ। इस वीडियो का मकसद बनाने का यही है, जो कुछ हमारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, इसमें स्टीयरिंग का भी लाइट आ रहा है, एबीएस का भी आ रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आ रहा है बोल के स्टीयरिंग को भी छेड़खानी कर देते हैं, एबीएस को भी छेड़खानी कर देते हैं, नहीं करना है, ठीक है। एबीएस में एबीएस का सेंसर चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली ये सिंबल चले जाएगा और वो भी चले जाएगा। अभी मैं उसको क्लीन करके डाल के हूँ, अभी स्कैन भी नहीं किया मैं और एक राउंड भी नहीं मारा, देखेंगे राउंड मारने के बाद चलेगी या तो ठीक है, फिर से मैं का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, यानी तो इधर ही स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ये सेंसर है, हाँ अभी मैं कार भी चला के देख रहा हूँ, ये हमारी जेट्टा, ये देख सकते हैं से फ्रेंड्स। अभी सेंसर क्लीन करके डाला मैं स्कैन में, फॉल्ट क्लियर किया तो कंप्लीट क्लियर हो गया। तो अभी मैं गाड़ी भी चला के देख रहा हूँ, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, 3-4 किलोमीटर चला लिया मैंने, ठीक है सर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, थैंक यू।